खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की। अयोध्या में अब कोई जमीन विवादित नहीं रही, रामलला जमीन के मालिक बने। अब वक्त आया है कि रामलला को टेंट से निकाल करके भव्य राम मंदिर बनाने का। अयोध्या में लेकिन माहौल बदल गया है। इस बदले माहौल में अब जो विवाद सामने आया है वो वाकई में निराशाजनक है। एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है जिसके बारे में आरोप लग रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती न्यास अध्यक्ष महंत परमहंस दास के बारे में कुछ अभद्र बोल रहे हैं। इस कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद दो दर्जन से ज्यादा छोटी छावनी के संतों ने तपस्वी छावनी पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। तो इस कथित ऑडियो के आने के बाद से अयोध्या में साधु संतों में हंगामा है और इसको लेकर बाकायदा हंगामा किया। तपस्वी छावनी पहुंचकर कुछ साधु संतों ने अयोध्या के दो बड़े संतों के बीच में ये विवाद और ये कथित ऑडियो जो आया है, इस ऑडियो के अंदर डॉक्टर रामविलास दास वेदांती न्यास के जो अध्यक्ष है महंत परमहंस दास, उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। रामविलास वेदांती ने कथित ऑडियो पर कहा है कि कोई दूसरा उनकी आवाज में बात कर रहा है, ये उनकी सफाई आई है और उस ऑडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने महंत परमहंस दास पर ही बदनाम करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। मेरा देश की जनता से निवेदन है और सभी चैनलों से निवेदन है कि उस वायरल को सच न माना जाए। सच्चाई ये है कि परमहंस दास स्वयं अयोध्या के संतों को बदनाम करने के लिए अपने आमरण अनशन कर राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय स्वयं लेना चाहता है और वो स्वयं योगी जी को बदनाम कर रहा है, नितुगोपाल दास को बदनाम कर रहा है, मुझको बदनाम कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। वो वायरल सच नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो देखिए, जो ऑडियो वायरल हुआ है वो सच नहीं है, मुझे गलत ना कहा जाए, मुझे गलत ना समझा जाए, ये सफाई आई है। उधर महंत परमहंस नृत्य गोपाल दास को विवाद में लेकर वो आए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा। राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने 125,000 करोड़ जय श्री राम का जाप कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सम्मिलित थे, मुस्लिम धर्म गुरु भी जिसमें सम्मिलित होकर के जय श्री राम का जाप किए राम मंदिर के पक्ष में। तो हमारी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से तिल मिला करके राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी अचानक हमारी हत्या के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों को भेजे हमारे स्थान पर और उनके सैकड़ों अनुयायी जा करके अपशब्दों का प्रयोग किए, गाली गलौच दिए और स्थान में खिड़की इत्यादि तोड़ करके क्षति पहुँचाए। अयोध्या के जो सबसे बड़े संत माने जाते हैं नित्य गोपाल दास जी, उनका इस तरह से मेरे से द्वेष रखना और हमारी प्रतिष्ठा से जलना, और चूंकि जो नए ट्रस्ट का गठन होने जा रहा है तो उनको शक है कि कहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को न रख लिया जाए, तो पहले से ही वो हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। और देखिए, अयोध्या में भूमि विवाद तो सुलझ गया है लेकिन ऑडियो टेप ने हलचल मचा दी है। जो सामने आए हैं उसमें जो दो बड़े संत हैं राम जन्मभूमि न्यास के, वो आमने सामने आ गए हैं और उसी को लेकर हंगामा बचा हुआ है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि न्यास के जो वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, उन्होंने महंत परमहंस दास के बारे में अभद्र टिप्पणी की। अब उनकी सफाई आई। रामदास वेदांती ने कहा कि देखिए, मेरी आवाज में कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, सफाई उनकी तरफ से आई। वहीं महंत परमहंस दास ये कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा होता रहा है, मेरे पीछे लोग पड़ते रहे हैं। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का मामला तो सुलझ गया, वो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अयोध्या अब उलझ गई है साधु संतों की लड़ाई में। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें, राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर रामदास वेलांती, जो कि न्यास के अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ है। और इस ऑडियो पर रामविलास वेदांती ने हालांकि सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज किसी ने निकाल कर ये ऑडियो वायरल कर दिया है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। और साथ ही परमहंस दास को लेकर यह अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। अब साधु संतों में फूट सामने आई है अयोध्या में। अयोध्या अब साधु संतों की फूट में उलझ गई है। अयोध्या में ऐसी सुबह तो कभी नहीं आई कि साधु संत बिल्कुल एक दूसरे के सामने और इस तरह से ऑडियो वायरल करके, ऑडियो वायरल होता है जिसमें एक बड़े संत दूसरे बड़े संत के बारे में टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
रणवीर एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा विवाद अयोध्या का सुलझ जाएगा और उसके बाद अयोध्या यूं दो बड़े संतों के टकराव के बीच में उलझ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वेदांती जी और परमहंस महाराज इन दो लोगों के बीच का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद जो विवाद छिड़ा है और साथ ही जो बाकी साधु संत हैं उनको ट्रस्ट को लेकर अब जो डिमांड्स आने लगी हैं और बयानबाजियां शुरू हुई हैं, जाहिर है अयोध्या में जो तलखी है संतों के आपस की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वेदांती जी ट्रस्ट के चेयरमैन बनना चाहते हैं और ऑडियो में साफ कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी की जाए, बात की जाए और साथ ही मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय से कोई नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि जो नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री हैं लगातार अयोध्या आते जाते रहे, पैरवी करते रहे, आज उनको लेकर बयानबाजी हो रही है। परमहंस दास जिनके घर पर विवाद हुआ और वो अयोध्या छोड़कर फिलहाल किसी दूसरे शहर में है, तो कई तरह की बातें हैं। और इस बीच में सत्येंद्रदास जी महाराज जिनका कहना है कि मंदिर जब तक नहीं निर्माण होता है तब तक अस्थायी स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो जिस तरह से संतों की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के बाद आ रही है जो देखने को मिल रही है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो संतों का मतभेद है वो अयोध्या में उभर के सामने। बिल्कुल, बात कर रहे हैं अयोध्या में साधु संतों के बीच फूट के। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब कोई जमीन विवाद नहीं रहा, राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, खुल चुका है। लेकिन रामलला जमीन के मालिक बने, अब वक्त आ गया है कि रामलला को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर बनाने का। अयोध्या में अब माहौल बदल गया है, लेकिन बदले माहौल में अब जो विवाद सामने आया है वो वाकई में निराशाजनक है, क्योंकि दो बड़े संत एक दूसरे के आमने सामने हैं, टकराव है, एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है जिसके बारे में आरोप लग रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती न्यास अध्यक्ष महंत परमहंस दास के बारे में कुछ अभद्र बोल रहे हैं। इस कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद दूरदर्शन से अधिक छोटी छावनी के संतों ने तपस्वी छावनी पहुंचकर जमकर हंगामा किया, तो ट्रस्ट को लेकर अयोध्या में साधु संतों के बीच में अखाड़े बाजी हो रही है। रामविलास वेदांती ने कथित ऑडियो पर कहा है कि कोई दूसरा उनकी आवाज में बात कर रहा है और उस ऑडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने महंत परमहंस दास पर ही बदनाम करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। मेरा देश की जनता से निवेदन है और सभी चैनलों से निवेदन है कि उस वायरल को सच न माना जाए। सच्चाई ये है कि परमहंस दास स्वयं अयोध्या के संतों को बदनाम करने के लिए अपने आमरण अनशन कर राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय स्वयं लेना चाहता है और वो स्वयं योगी जी को बदनाम कर रहा है, नितुगोपाल दास को बदनाम कर रहा है, मुझको बदनाम कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। वो वायरल सच नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो डॉक्टर रामदास वेदांती को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि कुछ भी सच नहीं है, मेरी आवाज में कोई और बोल रहा है। उधर महंत परमहंस नृत्य गोपाल दास को विवाद में लेकर आए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा। राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने 125,000 करोड़ जय श्री राम का जाप कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सम्मिलित थे, मुस्लिम धर्म गुरु भी जिसमें सम्मिलित होकर के जय श्री राम का जाप किए राम मंदिर के पक्ष में। तो हमारी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से तिल मिला करके राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी अचानक हमारी हत्या के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों को भेजे हमारे स्थान पर और उनके सैकड़ों अनुयायी जा करके अपशब्दों का प्रयोग किए, गाली गलौच दिए और स्थान में खिड़की इत्यादि तोड़ करके क्षति पहुँचाए। अयोध्या के जो सबसे बड़े संत माने जाते हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनका इस तरह से मेरे से द्वेष रखना और हमारी प्रतिष्ठा से जलना, और चूंकि जो नए ट्रस्ट का गठन होने जा रहा है तो उनको शक है कि कहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को न रख लिया जाए, तो पहले से ही वो हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो महंत परमदास हंस को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि पहले से मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। नृत्य गोपाल दास का वो सीधे नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मुझे बीच में घसीटा जा रहा है, बल्कि मैं तो जेल भी गया मंदिर को लेकर के। खैर, रणवीर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, रणवीर का रुख करते हुए। रणवीर, क्या ये जो पूरी लड़ाई है, जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि ट्रस्ट को लेकर ये अखाड़ेबाजी इन संतों के बीच में हो रही है, मेन बिंदु वही है?
जी जाहिर है, जिस तरह से वेदांती जी इस ऑडियो में ये कहते दिख रहे हैं कि अध्यक्ष उनको बनाया जाए, इसके लिए पैरवी करो, कुछ बवाल होगा तो हम देख लेंगे, इससे जाहिर है ट्रस्ट को लेकर बयानबाजी हो रही है और यही बयानबाजी इस पूरे विवाद का विषय। और इसकी शुरुआत होती है नित्य गोपाल दास जी जब ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास पहले से मौजूद है, ऐसे में सरकार को कोई नया ट्रस्ट बनाए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ट्रस्ट है वही निर्माण का काम चलेगा। तो जिस तरीके से शुरुआत के बाद जो बयानबाजी हुई, विवाद हुआ और ये सारा जो अयोध्या में संतों में जो मतभेद है उसका दौर इन बयानबाजियों के बाद शुरू हो गया। मेरे साथ पक्षकार हैं धर्मदास जी महाराज। महाराज जी, नित्य गोपाल दास जी कहते हैं कि जो न्यास है वो ही ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट को रहने दिया जाए, सरकार को नया ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं। वेदांती जी कहते हैं नए ट्रस्ट का अध्यक्ष मुझे बनाया जाए। परमानंदास जी जो हैं वो ऑडियो वायरल करते हैं। तो ये जो संतों का मतभेद है किस तरीके से देख, ये मतभेद नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है इन लोगों के। इन लोगों पर बात पर विश्वास न करिए, जो कोर्ट निर्णय किया है पक्षकार जो है वो अगर कुछ कहता है तो उसके बात के महत्व दिया जाए। ये झगड़ा नहीं है, झगड़ा लगाया जा रहा है, ये रगड़ा है। ये इन लोगों के बात पर विश्वास न करें और ये झगड़ा वगड़ा कुछ है ही नहीं है। जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया उस पर हम लोग कायम हैं, कायम रहना चाहिए पूरा देशवासी को। हिंदू जो जैसे कि अभी कोई आया था कि उमेशी का कर है, तो ये ओबीसी के कोई कुल खानदान भी नहीं है, आया अपना नमाज पढ़ने या मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने, यह केवल अफवाह है। ऐसे टीवी पर ऐसा लोगों के दिखाना ही नहीं चाहिए कि टीवी पर ऐसा ऐसा लोगों के बात बयान देना दिखाना चाहिए। इन लोगों के न दिखा करके जो कोर्ट कहा है, अयोध्या के हिंदू मुसलमान सब चाह रहा है कि राम मंदिर बने। आप ये कह रहे हैं नया ट्रस्ट बनना चाहिए और सरकार को प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए सरकार को? नई ट्रस्ट ही बनेगा, बनाना चाहिए नहीं। हम कोनो जज नहीं है, जो जजमेंट आ गया उसी पर काम होगा। अगर इसमें लोग कहते हैं जो भी कहते हैं उसको एक फालतू बात माना जाए। पक्षकार जो जिसको कहना हो, चैलेंज करना हो, तो कोर्ट में चैलेंज होता है, कोर्ट के डिसीजन पर ऊपर हाँ ना ही नहीं होता है। अच्छा, ऑडियो में वेदांती जी कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय का कोई इस ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। देखो, वेदांती जी के बात के छोड़िए, वो लोग सब अर्धविक्षिप्त व्यक्ति हैं लोग, इसलिए उन लोगों के बात के मानना ही चाहिए। कहें क्योंकि उनका राजनीति के शौक चढ़ा हुआ है, टीवी पर शौक चढ़ा हुआ है, वैसा चीज है नहीं, तो इसलिए वो लोग क्या बोल देंगे उसका कोई आप महत्व न दीजिए। दिग्विजय नाथ जी हमारे महाराज जी बाबा अभिराम दास जी के साथे में कंधा मिला करके राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किए हैं, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। श्री अवैधनाथ जी महाराज, उन्होंने कंधा से कंधा मिला के चले हैं और योगी जी ने हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके अभी तक, आगे कम नहीं कह सकते हैं, अभी तक चलते हैं। तो इसलिए भारत ये राम जन्मभूमि पर सारा मानव जात के अधिकार है, आज सब पूजा पाठ कर सकता है आकर के अपना ये सनातन प्राचीन व्यवस्था के अंदर जो सनातन व्यवस्था है, प्राचीन पद्धति है, उसके अंदर में आकर के कोई भी पूजा कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन इन लोगों के बात पर झगड़ा दिखा करके पब्लिक को भ्रम न डाला जाए। ऐसे ऐसे आदमी को टीवी वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो लोग कभी ऐसे आदमी के इस प्रकार से बात दिखाए भी नहीं। एक बात और मान लीजिए, मेन कह रहा हूं कि जो गंदगी के प्रचार नहीं किया जाता है और अच्छाई के प्रचार किया जाता है, तो ये लोग जो झगड़ा लगाने वाली बात को और समाज में नफरत फैले ऐसी बात को प्रचार प्रसार न किया जाए। ये हम देशवासी से चाहे समाज से जो राम जन्मभूमि के प्रेमी है, विरोधी है, सबसे मैं कह रहा। महाराज जी आप रुकिएगा, राजूदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट में नाथ संप्रदाय की भी भूमिका होनी चाहिए और वेदांती जी जैसे लोगों का कोई बयान जो है मायने नहीं रखता मानते हैं। नहीं, हम तो शुरू से हम लोग कह ही रहे हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर कमेटी गठित हो और सरकार इसमें तय करे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, नया कमेटी बनेगी, तो जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे।
और रही जो दो संत आपस में विवाद करें कोई मतलब नहीं है, उनका कोई अचुत्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों को लोग टीआरपी लेने के लिए इस प्रकार का बात विवाद कर रहे हैं। हमारे पक्षकार श्रीमान धर्मदास जी महाराज पक्षकार हैं राम जन्मभूमि उसमें, और निर्माणयानी श्री अखाड़े के श्री महंत हैं, तो उसमें अखाड़े का अधिपत्य है, अखाड़े के लोग ने संघर्ष किया है, पूरे सनातन हिंदू जनमानस और साधु संतों सभी ने संघर्ष किया है। रही कि मुख्यमंत्री जी को रखिए कि नहीं रखिए, ऐसा है कि सभी लोगों ने संघर्ष किया है। वेदांती जी कौन कहने वाले होते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं रखा जाए? अच्छा, नृत्य गोपाल दास जी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास पहले से है, पत्थर गढ़ाई का काम चल रहा है और उनको जो है ट्रस्ट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उच्चतम न्यायालय का जो कानून है, सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे नृत्य गोपाल दास जी हो, चाहे निर्माणयानी श्रीमंत धर्मदास जी महाराज शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं, और सारा हिंदू जनमानस। अभी आपने कहा कि ओबीसी कह रहे हैं कि नहीं हमको जमीन चाहिए, मैं वही मस्जिद का निर्माण करूंगा, ऐसे लोग ही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ओबीसी जैसे लोग और कुछ संत जैसे जिन्होंने कहा कि हमको अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसे लोगों को बात को दिखाकर चैनल में और उनको और हाईलाइट करके देश में विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। इतनी बड़ी फैसला आया, हिंदू और मुसलमान में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं हुई, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, किसी प्रकार का बताइए कि पूरे देश में कोई बवाल हुआ, कोई विवाद हुआ? लेकिन नहीं, लेकिन कुछ दिनों से, एक दो दिन से ऐसे लोगों को आप लोग चैनल पे ले आ रहे हो जो अपने आप को स्वयंभू घोषित करने के लिए और टीआरपी हासिल करने के लिए कुछ न कुछ बोला करते हैं, तो ऐसे लोगों को साधु समाज निंदा करता है। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमान धर्मदास जी महाराज जो निर्माणयानी अखाड़े के श्रीमंत है, ऐसे संतों को अखाड़े से बाहर किया जाए। अच्छा, मैं धर्मदास जी आपसे फिर से पूछूंगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे क्या आप या बाकी किसी बड़े अधिकारी लेवल पर किसी से मुलाकात करेंगे ताकि ये जो विवाद है इस पर कुछ जो कुछ? मैं कमिश्नर से मिल, यहाँ पर राम जन्मभूमि के कमिश्नर हैं, अयोध्या के कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकात हो चुका है, उनके घर पर जाकर के मिलकर गया हूँ। मुख्यमंत्री से आज 2 बजे के बाद में टाइम है, उनसे भी मिलूंगा। इस विषय क्या बात करें राम जन्मभूमि के विषय में, हमारे देखिए जेकर जो काम है वही करेगा, जेकरा अखाड़ा में लड़ने का काम हुआ अखाड़ा में लड़ेगा, जेकरा स्टेज पर नाचना है वो नाचेगा, और कोई वही में पैथिया बनते हैं सर, नौटंकी के जो जोकड़ बनते हैं सब, कोई यही में जोकड़ बन करके अपना अपना समाज को पेश करेगा। तो हम लोग अपना अपना व्यवस्था के लिए, राम जन्मभूमि की व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ेंगे, जाएंगे, कहेंगे, मुख्यमंत्री हैं देश के, उत्तर प्रदेश के, तो उनसे अपना विचार विमर्श है, हमारे पहले से भी संबंध है, मित्रता है, तो जा करके बातचीत। साधु संत तो संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला आया तो जनता संयम रखी और साधु संत विवाद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी एक बार आग्रह किया था कि साधुओं के इतना सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है कि जितना उन्होंने सबके सिक्योरिटी के भूख ये सब विवाद के जरिए हैं। अब नृत्य गोपाल दास जी के कौन मरने जा रहा है, रामविलास के कौन मरने जा रहा है, किसको जमीन लुहाड़ पे हैं, यहाँ पर साधुओं के साथ एक एक ठो बॉडी गार्ड लगा करके जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, केवल टोल टैक्स बचाने के लिए, तो इस प्रकार के एक उनको अपने बस में करने के लिए क्या आवश्यकता है, इसे 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 काम करने के लिए सरकार को, सरकारी संपत्ति को जो भी क्षति पहुंचाता है वो सरकारी अपराधी है, वो मानसिक रूप से अपराधी है, और एक एक चोर है 10 रुपया के 10 ठो लड्डू चुरा लिए तो चोर हो गया, 10 ठो और बड़े बड़े मानसिक उत्पात करता है, वो सबसे बड़ा देश के और समाज के अनहित नहीं कर रहा है। एक बार फिर से आप पे आऊंगा महाराज जी, कि कह रहे हैं कि साधु संतों को गनर दे दिया है, वीवीआईपी व्यवस्था दे दी है और सारा बयानबाजी सारा विवाद जो है इसी वजह से। शुद्ध रूप से अयोध्या के साधु संतों में हिंदू जनमानस में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, एकाध दो लोग जो चाहते हैं अपने को स्वयंभू सिद्ध करने के लिए, ऐसे लोग टीआरपी हासिल करने के लिए ऐसे बात विवाद कर रहे हैं। पूरे देश से आह्वान अपील है, अयोध्या में अमन सेन शांति का वातावरण है, किसी भी प्रकार का साधुओं में मतभेद नहीं है, जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है अक्षरशः वही साधु समाज हिंदू जनमानस पालन करेगा। अगर उच्चतम न्यायालय का आदेश का साधु समाज या हिंदू जनमानस किसी दल के किसी संगठन के किसी प्रकार के भारत के राजनीतिक पार्टी अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग चाहे संत समाज के लोग, ऐसे लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई, इनके खिलाफ जेल सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों को जेल में डाला जाए।
तो देखिए ज्योति, किस तरह से संतों का जो है जो मत है, सीधा कहना है कि जो बयानबाजी है वो स्वार्थवश है और स्वार्थ नहीं होना चाहिए साधु संतों के बीच में। तो ये धर्मदास जी महाराज और राजूदास जी महाराज, इन लोगों का कहना है। जी ज्योति, रणवीर आपसे समझना भी चाहेंगे, ये जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में कौन किस पद पर है? हम जान रहे हैं कि जो अध्यक्ष परम दास हंस है उन पर ये टिप्पणी की गई है राम विलास वेदांति की तरफ से, तो ये पूरा जो अध्यक्ष है, ट्रस्ट है, ये कैसे बनता है और ये जो मेन लड़ाई है कौन किस पद पर है, आप समझा पाएंगे विस्तार से? जी देखिए, राम जन्मभूमि न्यास जो है वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ संगठन है और नित्य गोपाल दास जी उसके अध्यक्ष हैं। ये संगठन ही जो पत्थर कढ़ाई का काम कार्यशाला में चल रहा है वो कराता है और बड़े बड़े साधु संत समेत जो बीजेपी के कई बड़े नेता हैं वो वहाँ आते जाते रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान के मुख्यमंत्री तक हों, तो सबका संबंध संपर्क है। और साथ ही ये जो न्यास है, ये न्यास करीब 1990 से पत्थर कढ़ाई का काम कर रहा है और वहाँ पर जो राम जन्मभूमि पर मंदिर की जो परिकल्पना है, जो मॉडल है, वो मॉडल भी बनाया हुआ है। महाराज जी से विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। महाराज जी, राम जन्मभूमि न्यास को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो ट्रस्ट है, आखिर ये कैसे बना और इसकी क्या भूमिका? देखिए, बने के अंदर में ले जाइए इसको। यह जो राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट है, यह जो बना है, कैसे बना है, का बना है, उस सबको हम जानते हैं। लेकिन अब है कि राम जन्मभूमि न्यास को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और दूसरा न्यास बनाने के अपील कर दिया, तो अब इस पर कैसे बना, का बना, उसको क्या चाहिए? अब ये है कि राम मंदिर किस मॉडल बने वो दूसरा कमेटी। ये इन्होंने जो मॉडल बनाया है, आप उससे सहमत हैं कि? आप हमारे समझिए, हमारे सहमत होने के या न रहने के काम नहीं है। राम जन्मभूमि सबसे उच्चतम, विश्व के सबसे बढ़िया मंदिर बनना चाहिए। वो पर बड़े बड़े जो बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जो इसके कला में माहिर हैं। उस मॉडल से आप जो है इत्तेफाक रखते हैं? मॉडल वो जो मॉडल प्रस्तावित बीएचपी के, मॉडल हमारा है कि प्रस्तावित उनका, किसी के बाप के? देखिए, ये जो कोई कह रहा है कि हमारा विश्व हिंदू परिषद के मॉडल है, ये विश्व हिंदू परिषद का मॉडल नहीं है। ये केवल एक भ्रम है, विश्व हिंदू परिषद वाले कुछ स्वार्थ में पैसा काटने के या किसी बहकाने के बात है। यह मॉडल एक व्यवस्था है कि किस तरह से देश में मंदिर बनता है। एक ये बनाता है, क्या नाम है, कोई आर्किटेक्ट है कि नहीं? आर्किटेक्ट बनाया, कागज में छपा है, वह ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो वह ट्रस्ट के विषय में जितने कार्यकलाप है सब रुक गया। मतलब आपका मानना है कि राम जन्मभूमि न्यास जो है, अब उसको एक्टिव संस्था नहीं होनी? कभी हो, अब हो ही नहीं सकती है। अगर कोई मर जाए, हम कह दे कि मरा नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो नया ट्रस्ट बन गया तो उसको अपने आप मर गया, एक महंत आ गया, दूसरा हट गया। तो चूंकि आप पक्षकार रहे हैं, आपका भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे बहुत बड़े बड़े लोग उस संस्था से जुड़े हैं और बहुत लंबे समय से कार्यशाला में पत्थर कढ़ाई का काम चल रहा है, तो वो जो पत्थर रखे हैं, क्या वो पत्थर मंदिरों के लिए उपयोग नहीं आने? देखिए, वो पत्थर रखे हैं राम भक्तों के। जो आर्किटेक्ट आएगा, क्या ऊपर से होता है कि किस मॉडल से कौन पत्थर से बने, ये पुरातन बड़े बड़े लोगों के जो विभाग के काम है। हम कह दे कि कैसे यही पत्थर के बनाओ, ये पत्थर के ना बनाओ, जो सबसे अच्छी से अच्छी बन सके उस पर बनाइए और प्राचीन पद्धति और सनातन पद्धति के हिसाब से बने। यही हमारा एक मांग है कि प्राचीन पद्धति और सनातन पद्धति के हिसाब से मंदिर निर्माण हो, मंदिर के पूजा हो, मंदिर के व्यवस्था हो। वह मॉडल है, ये मॉडल हमारे बस के बात नहीं है कि हम इसको कहें कि कौन मॉडल बनेगा, ये आर्किटेक्ट के काम है। तो देखिए ज्योति, विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में पत्थर रखे हैं, प्रस्तावित मॉडल रखा है और इस बीच में धर्मदास जी महाराज का कहना है कि ये विश्व हिंदू परिषद का नहीं, आर्किटेक्ट का काम है। जो ट्रस्ट बनेगा, जिस आर्किटेक्चर का डिज़ाइन पास करेगा वो होगा। राजूदास जी महाराज, आपसे भी पूछूंगा, राम जन्मभूमि न्यास एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनका ये कहना है कि कोई नए ट्रस्ट की जरूरत नहीं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का आदेश का पालन चाहे राम जन्मभूमि न्यास को भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने जब कह दिया
कि सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि एक कमेटी गठित की जाए, कमेटी में किसको रखना है नहीं रखना है यह केंद्र सरकार का काम है। आग्रह और निवेदन यही है कि जिन जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सक्रिय योगदान दिया, जिन्होंने समर्पण किया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे लोगों को भी उसमें रखा जाए। ऐसे लोगों को ना रखा जाए जो बिजनेसमैन टाइप के हों, रामदेव टाइप के हों, रविशंकर टाइप के हों, ऐसे लोगों को उसमें ना रख के, और जिन जिन लोगों ने सक्रिय योगदान दिया ऐसे लोगों को रखा जाए। रही जो कार्यशाला में जो पत्थर रखा हुआ है, कार्यशाला में जो पत्थर रखा हुआ है राम जन्मभूमि न्यास का, वो राम जन्मभूमि न्यास ने भी और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को एक मत करके और एक साथ ले चल के मुहिम खड़ा किया है, तो विश्व हिंदू परिषद के योगदान को हम घटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। इसके नाते जो पत्थर रखा हुआ है, हिंदुओं के घर से 125 रुपया दान आया है, वो पत्थर ऐसे पत्थर नहीं है, प्रस्तावित मॉडल जो है उसका 125 रुपया दान आया उसके पैसे से वो पत्थर है, तो ऐसे भी पत्थर लगना चाहिए। लेकिन उसमें जो इंजीनियर आएंगे, इंजीनियर तय करेंगे कि कौन पत्थर लगे नहीं लगे। लेकिन हम लोग का मांग यही है कि भव्य और दिव्य जहां पर रामला विराजमान है वो भव्य और दिव्य विश्व के सबसे ऊंची मंदिरों में से हो, और दिव्यता इतनी अच्छी हो कि विश्व के कोने कोने से लोग देखने आएंगे, और जहां रामला विराजमान हो वो स्वर्ण जनित हो और दिव्य और भव्य हो सिंहासन उसका। तो आप रुकिएगा महाराज जी, देखिए ज्योति, दोनों महाराज जी मेरे साथ हैं, धर्मदास जी और राजूदास जी महाराज, इन लोग का कहना है कि विवाद नहीं होना चाहिए और जो भी करना है वो ट्रस्ट को करना है, वो ट्रस्ट सरकार गठित करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे। ऐसे में नित्य गोपाल दास जी हों, वेदांती जी हों या परमहंस दास हों, इन सब लोगों का बयान मायने नहीं रखता। लेकिन ये ज़रूर है कि अयोध्या में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिन आगे बढ़ रहा है, आम जनता तो पूरी तरीके से शांत है, लेकिन साधुओं में मनभेद देख अयोध्या की जनता तो बिल्कुल शांत है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो लड़ाई अब सामने आ रही है वो हितों के टकराव की है, ट्रस्ट पर किसका वर्चस्व होगा। राम की नगरी अयोध्या में साधु संतों में फूट सामने आई है, दो बड़े संत आमने सामने है, ऑडियो टेप जारी किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं कि आखिर ये विवाद दरअसल जो सामने आज के वक्त में आ रहा है ये क्या है। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर वर्चस्व की लड़ाई का सवाल है और उसी को लेकर ये लड़ाई चल रही है। राम मंदिर का काम अब तक यही ट्रस्ट कर रहा है, राम जन्मभूमि न्यास ये ट्रस्ट है। महंत परमहंस दास और रामविलास वेदांती में झगड़ा है, ऑडियो टेप आता है, वेदांती खुद ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये आरोप रामदास वेदांती पर लग रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ऐसा लग रहा है कि साधु संत एक दूसरे का स्टिंग कर रहे हैं, बकायदा ऑडियो टेप सामने आता है, उस ऑडियो टेप में राम विलास वेदांती की आवाज है, वेदांती की बातचीत की रिकॉर्डिंग परमहंस दास ने जारी की है, और जिसमें वो परमहंस दास के बारे में ही अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कथित बातचीत में वेदांती परमहंस में बातचीत हो रही है, परमहंस वेदांती की बातचीत में नृत्य गोपाल दास का भी जिक्र आता है। तो दरअसल ये पूरी जो लड़ाई है, ये राम जन्म भूमि का जो न्यास है उसके उस पर वर्चस्व की लड़ाई है, ट्रस्ट में किसका वर्चस्व रहेगा, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये आरोप रामविलास वेदांती पर लग रहा है। हालांकि कई और जो बड़े साधु संत हैं उनका कहना है कि इस तरह के विवाद में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए चीजें की जा रही हैं।